गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे वर्णमाला, जिसमें क्या पढ़ाए थे, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में। फिर हम आपको होमवर्क भी दिए थे और हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग होमवर्क कर लिए होंगे। और जिसको जो प्रॉब्लम होगा उसको मार्क करके रखिएगा, जब स्कूल खुलेगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आज हम अपना अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिना मात्रा के शब्द। जिस शब्द में कोई मात्रा नहीं हो, मतलब कि कोई मात्रा नहीं हो, जैसे कि एक मतलब समझने के भाषा में बात करें तो अ आ ई, मतलब स्वर्ण वर्ण जिसमें नहीं जुड़ा हो वह कहलाता है, स्वर्ण वर्ण की मात्रा जिसमें नहीं जुड़ा हो वह कहलाता है बिना मात्रा वाला शब्द। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिना मात्रा वाले शब्द में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो वर्ण वाले शब्द को दोहराना है। ठीक है, दो शब्द वाला, दो वर्ण वाला शब्द, दो वर्ण वाला शब्द नाम से ही क्लियर हो गया है, जिसमें दो वर्ण हो, मतलब कि दो वर्ण से जो मिल के बना हो शब्द वह दो वर्ण वाला शब्द कहलाता है। देखिए यहाँ पे घ जो र, घर, तो यहाँ घ एक अलग वर्ण है और र एक अलग वर्ण है, तो दो वर्ण है, एक और दो, दो वर्ण है, तो ये हो गया दो वर्ण वाला। उसके बाद है फल, फल, फिर है वन, वन, फिर है यहाँ पे देखिए अब साथ में आप भी पढ़ते जाइएगा, नल, नल, यहाँ भी क्या है, एक ना है और एक ल है, नल, जल, जल, कल, कल, चल, चल, हल, हल, ओके।